उनके घर पहुंचा देना, ठीक है? गांव में बहुत तंगी है पानी की। तो सुना तुम लोगों ने? क्या क्या? गांव बदल रहा है। हमारे गांव के लोग अपने जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों राजू? हाँ देखो ना, कलेक्टर साहब का बातों का असर इन पर इतना होगा, वो भी इतना जल्दी, वो कभी सोचा नहीं था। हाँ देखो ना, अब रोविन ने भी फिल्टर लगा लिया। ये तो अच्छी बात है। अगर इसी तरह गांव के सभी लोगों को इस बातों का असर हो जाए तो कितना अच्छी बात होगी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये पेड़ भी सूख गया है। ये क्या कहर मचा है पानी का? हाँ, घर के काम करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, सारा काम रुक जाएगा, पेड़ों को देने तक का पानी नहीं है। हाँ क्या हमें भी बाकी किसानों की तरह वर्षा के ऊपर निर्भर रहना होगा? नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। तो अब हम क्या करेंगे? मुखिया जी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, तो आज जरा सी तकलीफ आने पर हम उनके पर भरोसा रखना छोड़ देंगे क्या? हाँ बात तो सही कहा आपने, हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए। भरोसा रखो, वो कुछ ना कुछ करेंगे ही। हाँ ठीक कहा आपने। आज बहुत दिनों के बाद ऐसे मिलने का मौका मिल रहा है। हाँ वो तो है, लेकिन गांव का हालत तो आपको पता ही है। हाँ देखो, गांव की हालत कितना बेहाल हो गया है। पानी की तो जैसे गांव से गायब सा ही हो गया है। अब तुम क्या सोच रही हो? चलो वहीं बैठ कर बातें करते हैं। चलिए। अब बताओ तो क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि भारत में कितनी सारी नदियां हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और बहुत सारे। हाँ सही कहा तुमने। तो सोचो तो, हम उसका इस्तेमाल तो कर सकते हैं। ठीक कहा तुमने, ये बात हमें कलेक्टर साहब से बताना चाहिए। हाँ मैं कल ही विपुल के साथ जाकर उनको ये सब बातें बताता हूँ। हाँ वही सही रहेगा। अब चलो, बहुत देर हो गया, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है चलिए। चलो
अरे तुम लोग, मैं कहीं बाहर निकल ही रहा था। सर, दरअसल हमें आपसे कुछ बात करना है। हाँ कहो। सर, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा देश में नदियों की कमी नहीं है। हाँ वो तो है। तो सर, हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है? सरकार क्या क्या कर रही है? देखो, सिंचाई के लिए सरकार ने नहरों को बनाया है। नहरें? वो क्या है? देखो, ये नहरें ऐसे जलमार्ग होता है जो प्राकृतिक ना होकर इंसानों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इसका खेती से क्या संबंध है? नदी का पानी खेतों में पहुंचाने के लिए नहर का प्रयोग किया जाता है। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। देखो, सिंचाई के लिए नहरों के बनाने के अतिरिक्त उसको सही दिशा में रखना भी महत्वपूर्ण है। और भारत का जो सिंचाई विभाग है या नहर विभाग, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अच्छा, इस नहर बनाने का उद्देश्य क्या क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है नदी और सरोवर से पानी खेतों तक पहुँचाना। ये तो सरकार का अच्छा कदम है। इसके अलावा सरकार नमामि ब्रह्मपुत्र नामक अंतर्राष्ट्रीय मेले का भी आयोजन किया है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि नदियों की जो बदतर हालत हुई है, इसके लिए दोषी हम हैं और उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ रहा है। सरकार इतना कुछ कर रही है हमारे लिए और हमें कुछ खबर ही नहीं। सरकार की इस योजना में हम भी उनका साथ देंगे। वो कैसे? कलेक्टर साहब ने जो बात हमें बताए, हमें वो बात गाँव तक हम पहुँचाएंगे। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुम लोगों ने। अच्छा, मैं जरा जल्दी में हूँ, निकलता हूँ। चलिए सर, हमें भी जाना है। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। देर क्यों हो रहा है? ओ मुखिया जी आ गई। क्या बात है राजू बेटा, मुझे यहाँ क्यों बुलाए? रुकिए, पहले सबको आने तो दीजिए। सबको अभी तो कौन नहीं आया? मनोहर चाचा, उनको तो देर से आने की आदत ही है। बोलो, वो भी आ गया। अरे भाई, किसकी बातें हो रही है? तुम्हारी देर से आने की आदत। देखिए मुखिया जी। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात यह है कि आज हम कलेक्टर साहब के पास गए। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? आज हमको झील और नहर के बारे में समझाया और ये भी समझाया खेतों में उसका इस्तेमाल कैसे करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, हमारी उम्र हो गई है, तुम नौजवान हो, इस देश का भविष्य हो, इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। क्यों मुखिया जी? तुम अपनी बात करो, मैं तो अभी भी जवान हूँ। अरे चलो चलो, मैं दुकान पे बैठता हूँ, वही बात करते हैं, आओ। चलो। सोच रही हो? देखिए ना, लीला दीदी और उनके परिवार ने हमारे गांव के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। एकदम सही कहा तुमने, सिर्फ वो लोग ही नहीं, राजू, मुखिया जी और मनोहर चाचा ने बहुत मेहनत की है इसके लिए। हाँ, लेकिन इसका असली हकदार तो कलेक्टर साहब है ना? पता नहीं, अगर वो ना होते तो हमारे गाँव से यह संकट कैसे टलता। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। अब तो हमारी बच्ची भी ठीक हो गई है। देखना, वो बहुत जल्द ही दौड़ने भी लगेगी। सही कहा आपने।
मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। हाँ। आप बैठे ही रहेंगे या नहाने भी जाएंगे? हाँ ठीक है। लेकिन हम औरों की मदद कैसे कर सकते हैं? गावे तो बातें पूरा सुन लिया कर। मतलब? मतलब हमें पास वाले गांव की सहायता करना चाहिए। लेकिन हम मदद कैसे कर पाएंगे? हमारे गांव में पानी की तंगी मची हुई है। देख भाई, मदद करना असंभव है। बात तो सही है, जो पानी का टैंकर है वो भी कितने दिन चलेगा। आप लोग घबराइए मत, अभी बारिश ना होने तक हमारे पास जितने पानी है हमें उनसे ही काम चलाना है। और कलेक्टर साहब ने भी यही बोला है कि दिन में 24 घंटे पानी आए या ना आए, लेकिन 2 घंटा तो कम से कम आएगा ही। लेकिन उन 2 घंटों में भी हमें सावधानी से पानी खर्च करना होगा। और खास करके तू विपुल, तेरा वो देर तक नहाने की आदत। हाँ भाई, मैं सावधान रहूंगा। और मैं भी बहते नल की ध्यान रखूंगी, उसका इस्तेमाल तभी करूंगी जब जरूरत होगा। वाह गीता, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। और मुझे और एक बात समझ में आ गई है। क्या? पानी की समस्या का सबसे बड़ा हल हमारी सावधानी है। सही कहा गीता, बढ़ती आबादी के साथ हमें मिलजुल कर रहने से ही विश्व की भलाई है। वही बात है, हमें ध्यान देना होगा और सावधान भी। हाँ हाँ ठीक है, अभी चलो। हाँ चलो चलो। चुक चुक करती चलती रेल, धर धर करती चलती रेल, नई जगह दिखता। चंदा, अरे आप लोग दीदी पढ़ रही हो? अरे चंदा क्या पढ़ रही हो? अरे आप लोग यहाँ? अब कैसी है चंदा? पहले से बेहतर है दीदी, अब मैं स्कूल भी जा रही हूँ। अरे वाह। और इन सब के लिए आप लोगों को जितना भी धन्यवाद कहूँ वो बहुत ही कम है। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जितना किया शायद ही कोई करता। बस बस, अब बस इतना ध्यान रखो कि आइंदा चंदा फिर से ये गंदा पानी ना पीनी पाए। हाँ, आज से उसको सिर्फ साफ पानी ही पिलाइएगा। जी जरूर। और हाँ, आप हमारे साथ तो दे रहे हैं ना गाँव को इस दुविधा से निकालने के लिए। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है तो फिर आना, अभी हम लोग चलते हैं। रुकिए ना, मैं चाय बनाती हूँ। फिर कभी। ठीक है चंदा, बाय, अच्छे से रहना। चंदा बाय बाय, बाद में आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर। अब बताइए, पानी बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हाँ सर, हम कुछ बातें बताने जा रहे हैं। जब भी डायरी बनाने का काम हो तब पानी कम फैलाना चाहिए। हाँ, और बर्तन धोने के समय भी हमको पानी कम खर्च करनी चाहिए। नहाते समय भी पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कहीं नल टपक रहा हो तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, और नहीं तो उसके नीचे बाल्टी और मग रख देना चाहिए। रोजाना कपड़े धोने से ज्यादा अच्छा है इकट्ठा करके हम लोग एक ही दिन में धोए, ताकि पानी कम खर्च हो। बहुत अच्छे। फर्श को धोने के बजाय पोछा लगाना चाहिए। खेतों में जितना जरूरी हो उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ सर, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, तुम लोगों ने काफी जानकारी हासिल कर ली है। और एक बात अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन लो, फसलों के सिंचाई के लिए जमीन पर जितने पानी की जरूरत है उतने पानी ही उसमें डालना चाहिए। उससे ज्यादा देने का मतलब है पानी को बेकार करना। एकदम सही कहा आपने सर। ठीक है सर, तो अब हम चलते हैं सर। बिल्कुल ठीक है। नमस्ते सर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा,
कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। विपुल, ओ विपुल। अरे राजू। हाँ, अरे गांव की समस्या में इतना उलझ गए कि परसों हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है, वो बात भूल गए? अरे यार, मेरा दिमाग से ही निकल गया। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या बोल? देख, गांव की अभी एक समस्या दूर हुई है, लेकिन अभी भी कई सारे दिक्कतें हैं जो दूर किए जा सकते हैं। लेकिन इसका हमारा नौकरी से क्या संबंध है? अगर हम एक एनजीओ खोल ले और उसके जरिए हम गांव की समस्या दूर करने में लग जाए तो कितना अच्छा होगा ना? विचार तो ठीक है, लेकिन पेट कैसे भरेगा? अरे उसके लिए हम खेती बाड़ी कर लेंगे। अरे यार बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। वर्क विल यू वर्क, प्ले विल यू प्ले। रोबिन भैया। अरे विपुल, आओ आओ बैठो। अरे बेटी, पढ़ रही है तू? हाँ चाचा, मैं क्लास में सबसे आगे आनी चाहती हूँ। अरे वाह बढ़िया, पढ़ो पढ़ो। भैया हाँ, मैं जल्दी में हूँ, कुछ बातें करनी है। हाँ कहो। क्या है, मैं और हमारा गांव का कुछ युवक मिलकर एक एनजीओ खोल रहे हैं, जिसमें हमारा गांव के लोगों को भलाई हो, कुछ सहाय हो, इसमें आपकी कुछ मदद चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ? भैया बाकी से जगह तो पता है, लेकिन खेती बाड़ी में हमसे ज्यादा ज्ञान आपका है, आप कुछ मदद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी। बढ़िया, धन्यवाद भैया, अब मैं चलता हूँ, मैं जल्दी में हूँ। रुकिए भैया, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी, मुझे मनुष्य का घर जाना है। ओ अच्छा, फिर अच्छा, आइएगा। ठीक है। बेटी पढ़ो पढ़ो, इसके बाद क्या था ये? हाँ पढ़ो। अरे गीता, रो क्यों रही हो? अरे भैया। क्या हुआ, माने कुछ कहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे क्या हुआ, सच सच बता। देखिए ना भैया, आज अगर पिताजी होते हमारे साथ तो कितने गर्व महसूस करते हमको देख के। तुमने ठीक कहा, पिताजी हमेशा चाहते थे कि गांव को सुधारने में हम उनके हाथ बताएं, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। काश हमें ये सब करते हुए पिताजी देख पाते। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। ठीक है तू जा। क्या बात है, आज हमारी बच्ची इतनी खुश लग रही है। अरे बेटी जो बाबा के साथ खेल रही है ना। हाँ हाँ। अच्छा सुनो, कल हमें कलेक्टर साहब के पास जाना है ना? हाँ वहाँ तो मैं ही जाऊँगा, तुम तो नहीं जाओगी। क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगी, जरूर जाऊँगी मैं। पिछले बार तो तुमने मना किया था ना। लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। ये हुआ ना पति के साथ रहने का असर। क्या आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक बात तय है, अगर हम सभी लोग पानी को आज बचाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए कल पानी बचेगा, इसलिए जितना जरूरत हो उतना ही पानी हमें इस्तेमाल करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और इसमें ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं है जो पानी को संरक्षण करने में कोई दिक्कत हो, इसका तरीका बहुत ही आसान है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो हर व्यक्ति को आना चाहिए, बस इसके लिए जरूरत है जागरूकता की और अपनी जिम्मेवारी निभाने की। चलिए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं, कुआं खोदो या बबड़ी, करो इकट्ठा नीर, व्यर्थ किया यदि इसको तो भुगतोगे तुम भी।
खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम।